बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने 14 जून 2020 को दुनिया को अलविदा कह दिया था, और उसके बाद से ही कई सारी खबरें सामने आ रही है। ऐसे में खबर आई है बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद नेपोटिज्म के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। कुछ समय पहले ही सिंगर सोनू निगम ने नेपोटिज्म को लेकर खुलासा किया था। वहीं अब इंडस्ट्री के मेलोडी किंग कहे जाने वाले सिंगर कुमार शानू ने भी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर खुलासा किया है और बताया है कि किस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ कटों की वजह से यहां पर काफ़ी कुछ होता है। दरअसल कुमार शानू ने हाल ही में एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी म्यूजिक कंपनी का एक गुट बना होता है, वो सिर्फ अपने कलाकारों को ही काम देता है। अगर आपको उनके साथ काम करना है तो आपको अपनी प्रतिभा के पीछे रखकर उनके पीछे पीछे भागना पड़ेगा, वक्त देना होगा। लेकिन हमने एक खुददारी थी, एक आत्मसम्मान था और ये सब व्यर्थ कोशिश नहीं कर सकते थे। साथ ही कुमार शानू ने ये भी कहा बात करते हुए कि म्यूजिक इंडस्ट्री आजकल जो लोग गाने बनाते हैं वो सिर्फ पीआर और पब्लिसिटी की वजह से हिट होते हैं। पीआर और पब्लिसिटी फैंस के दिमाग पर एक ही चीज़ इतनी बार टेलीविज़न और प्रमोशन के ज़रिए सुनाते हैं कि फैंस उसे सुन लेते हैं। आगे कुमार शानू ने यह भी कहा कि आज म्यूज़िक इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टर और प्रोड्यूसर की दखलंदाजी के दौर है। एक्टर जिस सिंगर से गाना गवाना चाहता है उन्हें काम दिया जाता है, और जो काफ़ी टैलेंटेड है उसे काम नहीं मिलता, उसे फिल्म से हटा दिया जाता है। साथ ही जिस सिंगर को काम दिया जाता है उस पर दबाव बनाकर कहा जाता है कि अगर तू इस तरह नहीं करेगा तो दूसरे सिंगर को हम काम दे देंगे। इस तरह आज एक्टर्स अपने काम पर ध्यान ना देकर सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी इसी तरह से काम करवाया जाता है। म्यूजिक कंपनियों को इन सारी गुटबाजियों के बीच नए कलाकारों को लेकर कुमार शानू कहते हैं कि मुझे नए कलाकारों के लिए काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन पर नए स्टार्स सामने आते हैं तो उन्हें काम नहीं मिल पाता और वो अपने काम पर ध्यान भी नहीं दे पाते। वो इन म्यूजिक कंपनी की गुटबाजी के चक्कर में मेंटली और फिजिकली पिस जाते हैं, और इस चक्कर में अच्छे सिंगर्स कुछ खास नहीं रह पाते और वो बकवास सिंगर्स हिट हो जाते हैं। कुमार शानू ने अपने अपकमिंग सॉन्ग्स को लेकर भी बताया, जिस तरह से वो अच्छी बोल और उर्दू के अच्छे शब्दों के साथ मेलोडी के साथ गाना गाते हैं, वो किसी में भी गाने की ऐसी क्षमता नहीं है। तो यह है पूरी खबर कुमार शानू को लेकर, जिन्होंने इनडायरेक्टली सुशांत सिंह राजपूत मामले से ही जुड़े नेपोटिज्म पर किया है बड़ा खुलासा, जो सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी है। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।